को याद करने का और आने वाले समय के अनुसार अपने को सहायता करने का, तो मैं भी इस मौके को इंगेज करना चाहता हूँ, मनाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम इस शिक्षक दिवस पर मैं नमन करना चाहता हूँ अपनी माँ को, जो मेरी सर्वप्रथम गुरु थी, और शायद आप सबकी भी अपनी माँ सर्वप्रथम गुरु रही हैं। क्यों मैंने माँ को अपना सर्वप्रथम गुरु माना और कहता हूँ, क्योंकि माँ ही जब असहाय प्रसव पीड़ा से पास करके जब बच्चे को जन्म देती है, तो शायद वो पहला लेसन देती है दुनिया को, समाज को, हर किसी को, कि विपदाएं विपत्ति कितनी भी आए पर जब उसका परिणाम होता है वो हमेशा सुखद होता है। परेशान होना जरूर है किंतु उसे हंसकर सही, खुश रहिए। निश्चित रूप से इन पीड़ाओं को जब हम हंसकर सहते हैं तो उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होता है। मेरी माँ जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया को पढ़ाया बल्कि हमें भी पढ़ाया, और शायद कहीं पर कुछ क्वालिटीज नहीं तो निश्चित रूप से उनकी सिखाई नहीं, जिन्हें कभी नहीं भूला जा सकता, चाहे वो किताबों से रिलेटेड ज्ञान हो, चाहे समाज से, चाहे परिवार से, चाहे रिश्तों को निभाने से लेकर हर किसी में। मैं जब भी, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, जब भी मैं पाता हूँ तो हमेशा मेरी माँ को सामने खड़ा पाता हूँ। साथ ही साथ मैं नमन करना चाहता हूँ समस्त शिक्षकों को जो आप यहाँ मौजूद हैं, चाहे उसे जूनियर है चाहे उसे सीनियर है, मेरे सर मुझे सर उम्र में नहीं है शिक्षण के क्षेत्र में, देखो मुझे सर बुरा मान जाएंगे कि मुझे आपने सीनियर बोल दिया। निश्चित रूप से लसीना साइना मैडम, आप सभी इस शिक्षा के क्षेत्र में हमसे कहीं पहले से जुड़े हुए हैं और सभी को शिक्षित कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को भी आप करते रहेंगे। मैं आप विद्यार्थी जो सामने बहुत कम बैठे हैं ना, आपको भी अपना गुरु मानता हूँ, ठीक है? जो रात रोज है ना हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, जोहरी मैडम ने कहा कि हमारा प्रिविलेज है जो हम यहाँ खड़े हैं, स्पेशल शिक्षक दीपक ने कहा कि किसी ने पूछा कि हम इस क्षेत्र में क्यों आए, बाकी मुझे सिस्टर कल्पना की एक बात हमेशा याद आती है जो हमेशा कहती थी कि हम शिक्षक हैं, क्यों हैं ना, आपकी इच्छा से ना मेरी इच्छा से, शायद उस सृष्टि के निर्माता ने हमारे लिए रोल चुना है जिसके कारण कि हम शिक्षक हैं। और निश्चित रूप से मैं पाता हूँ तो यही देखता हूँ, दीपक सर ने कहा कि हम बहुत से लोग इच्छा से नहीं आते हैं किंतु जब शिक्षक बन जाते हैं तो शायद हम ब्रज बस जाते हैं इस कार्य में और इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी। इस समय में शिक्षक दिवस एक बार फिर से हमें यह सोचने का कि इस शिक्षण के क्षेत्र में हमारा रोल क्या है, हमारी चुनौतियां क्या हैं। निश्चित रूप से यदि आप बच्चे सामने होते तो ज्यादा अच्छा होगा कि शायद जो भी शिक्षक बोल रहे हैं उसे वो भी सुनते हैं, किंतु मेरा हम सब शिक्षकों से भी यह एक निवेदन है कि हम फिर से एक बार बैठें, आज कम से कम 1 घंटा हमारे खुद के लिए निकालें सिर्फ यह सोचने के लिए कि क्या सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो इस नई पीढ़ी के अनुसार सही है। आजकल देखता हूँ कि ये जो 2 साल का समय निकला है, एक जो इतनी बड़ी महामारी का, ये हमारा सबसे बड़ा दौर निकला है जिसने हम सबको एक नए सिरे से बहुत कुछ सिखाया है, रोज हम सीखते जा रहे हैं और सीखना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन हमने सीखना बंद किया शायद उसके बाद हमारे लिए दुनिया समाप्त हो जाती है। रोजाना के नए चैलेंजेस, रोजाना की एक नई समस्या है जो जिनसे हम रोज रूबरू होते हैं, जो
प्रतिक्रियाएं एक शिक्षक के समय शिक्षक के सामने तो शायद बहुत ज्यादा हमें डिमोरलाइज करती है, जो हमारी एनर्जी शायद वो कम हो जाती है। आप नहीं लेना चाहूंगा पर हमारे टीचर्स में से ही एक बार एक टीचर ने जो क्लास के बाहर रुके थे अंदर बच्चे थे, मैं पूछा मैंने रुके क्यों थे यहाँ पर अंदर जाने के पहले, उनका कहना था कि शायद मैं साहस चुका रहा हूं कि इस क्लास में अंदर जाकर जो मैंने सोचा है वही पढ़ा सकूं, जो मैं आज प्लान करके आया हूं शायद मैं उसी को इन बच्चों के सामने डिलीवर कर सकूं। क्योंकि रोजाना यही होता है कि मैं अपने आप को संकलित करके आता हूं कि मुझे इन्हें क्या देना है, और रोजाना कुछ बच्चे क्लास को एक अलग ही दिशा में मोड़ देते हैं कि जिससे अपने आप को जो सोच कर आए वो कर नहीं पाता। अच्छा हम सबकी स्थिति यही है कि हम जो सोच कर आते हैं जो देना चाहते हैं शायद हम नहीं दे पाते, हम डिमोरलाइज हैं, हम अपने आप को उस एनर्जी लेवल पर रख नहीं पा रहे। किंतु निश्चित रूप से हमें फिर से जरूरत है इन बातों को सोचने की। आप देखिए हर क्लास में यदि 40 बच्चे हैं तो उसमें से सिर्फ 4 बच्चे हैं जो कि इन गतिविधियों में लिखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट 36 बच्चे वो आपकी तरफ आज भी आशा से देख रहे हैं। क्या हम उन 36 बच्चों को इन 4 बच्चों की शैतानियों से नहीं देंगे अपना जो कुछ भी देना चाहते हैं? कह रहा हूँ कि हम शिक्षक के रोजाना नई चुनौतियों से सामना करते हैं, आइए सीखें कि ये जो नई चुनौती आई है इससे हम कैसे पार पाए हैं, कैसे आगे आए हैं। आज ये जो बच्चे यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान, फिर से इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए दे रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूँ कि उन्होंने फिर से अपने आप को इकट्ठा किया है। मुझे याद है जब हम लोगों ने स्टूडेंट काउंसिल का पोर्टफोलियो डिक्लेयर किया था, उस दिन के अगले 4 से 5 दिन शायद हमारे लिए बहुत पीड़ा के रहे थे, जब यही 12th क्लास के बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ सोच के रखा था कि शायद मुझे ये मिलेगा, शायद मुझे ये मिलेगा, शायद मैं इस पोस्ट के लिए बना हूं, और अगले 4 से 5 दिनों तक वो बच्चे ऐसा हो गया था कि टूट गए। उन्होंने हमसे भी क्वेश्चन किए, खुद से भी क्वेश्चन किए कि आखिर मैं क्यों नहीं। जितना हो सका उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसा होता है, थोड़ा सा हमने दिल बड़ा करके एक बड़े प्रोस्पेक्ट में सोचना समझना जरूरी है। किंतु आज वही बच्चे उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया था 4-5 दिनों के लिए, अगले 8-10 दिनों के लिए, या उन्हीं बच्चों को यहाँ पर आज दिल से परफॉर्म करते हुए देखता हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। वास्तव में दिल से खुश हूं मैं कि वो बच्चे आज फिर से संगठित हैं, एक नई आशा है, एक नया जोश है आगे के लिए, इस वर्ष के लिए, आने वाले दिनों के लिए। आप सबको भी मेरा प्रणाम कि आपने अपने आप को एक नई चीज सिखाई जो शायद हमने सिखाई या नहीं सिखाई। एक शिक्षक होने के नाते बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, हम करते हैं, और बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सुनने को मिली कि क्या मिलता है और क्या होता है परिवार में भी, दूसरी जगह भी, दूसरों की इतनी ग्रोथ हो गई, ये होगा वो होगा, आते नहीं के नहीं। किंतु आज भी जब मौके पर देर से ऑन किया पर जब देखा तो उसमें थी 12:00 कुछ सेकंड्स पर बच्चों के मैसेज आज भी देखने को मिलते हैं, सर हैप्पी टीचर्स वीक। और उन बच्चों में कौन शामिल है, वो बच्चों में शायद जो अहमदाबाद का सेंट्रल मॉल का जो सीईओ है, नाम से ही बोलना चाहता हूँ, सनी गुलाबा, नाम से ही बोलना चाहता हूँ, मयंक गुप्ता, जो इसी स्कूल से, हमारे ही स्कूल से निकले बच्चे जिन्होंने IIT से, खड़गपुर से, देहरादून से, सर्जनों से, डॉक्टर्स इंजीनियर से लेकर सारे सफल व्यवसायी सभी स्कूल से निकले हैं। मैंने सोचा था कि सामने आए बच्चों के लिए कोई जरूरी का होगा उदाहरण दूंगा, बोलूंगा जरूर,
कि ये बच्चे आज इन मुकाम पर क्यों है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को संगठित रखा, बिखरने नहीं दिया। बेटा आप लोगों के सामने जो 2 साल आए ना, इसमें आपको छिन्न भिन्न कर दिया, बिखेर दिया है। पूरी सामाजिकता, समाज, शिक्षा, घर परिवार, सारी स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत बिखराव आया है। और इस समय जरूरी है हमको फिर से रिकवर करना। कोई मेंटली ब्रेक हुआ है, कोई फाइनेंशियली ब्रेक हुआ है, कोई अपने उद्देश्य से ब्रेक हुआ है, हम सबको जरूरी है सब में फिर से इकट्ठा होना। फिर से मैं कह रहा हूँ मेरे साथी शिक्षक राम सिंह कि आज भी हम अपनी वैल्यू यदि बनाए रहे तो निश्चित रूप से बच्चे भी हमें वैल्यू करेंगे। अच्छा लगता है जब ये जो नए बच्चे जो शिक्षक बन के आ रहे हैं वो आज भी उसी दृढ़ता से शिक्षकों की जो वैल्यूज हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दीपक ने मेरा नाम लिया इसलिए मैं दीपक का नाम ले रहा हूँ, बट उसमें जितनी सहजता और सरलता है, योगेश्वर में आज भी जितना एक एनर्जी है वो हमको सिखाती है कि दुनिया नहीं बदली है, बच्चों के थोड़े व्यवहार बदले हैं, आने वाले 2 साल बाद फिर से इन्हीं बच्चों के होंगे। जब ये जो महामारी ने जो एक सर बिगाड़ा है ना, वो जब फिर से इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा, तो हम लोग अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान को बनाए रखें और जो हमारा रोल है उसे अपनी उसी निष्ठा के साथ पूरा करते चले, तो निश्चित रूप से एक फिर से हम इस समाज को संगठित कर पाएंगे। जो बिखराव आया है उन सबको हम फिर से संगठित कर सकेंगे और एक जो शिक्षा और शिक्षक का जो अधिकार है, जो एक टेबल लगा हुआ है ना, उसको हम सार्थक कर सकेंगे। बातें बहुत सी हैं करने की, फिर से एक जगह मिलेंगे, जरूर करेंगे। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच फादर सिस्टर।